दोस्तों, एक आर्मी सोल्जर के घर पैदा हुए इस लड़के में बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत थी। 1996 में इसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। 19 ईयर की एज में यह लड़का ग्रेनेडियर बन गया। 1999 तक इसकी शादी हो गई। शादी के 15 दिन बाद ही इस लड़के को कारगिल वर्क के लिए रवाना होना पड़ा। अगले कुछ ही दिनों बाद यह लड़का 16,500 फीट ऊंची बर्फ में ढकी उन पहाड़ियों में मौजूद था, जहां एनिमी आर्मी भूखे भेड़ियों की तरह इंडियन सोल्जर का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही टाइम में दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी और लड़का पूरे जोश के साथ लड़ रहा था। तभी इसके कंधे और जांघों पर गोलियां लगी। इसके बाद उसने बाएं हाथ की हड्डी टूट गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इसी हालत में उसने अपनी AK-47 के साथ 15 से 20 एनिमी को मार गिराया। दोस्तों, इस बार में उस लड़के को 15 गोलियां लगी। जी हां, 15। लेकिन इसने दुश्मन की छाती पर तिरंगा गाड़ कर ही दम लिया। दोस्तों, इस बहादुर सिपाही का नाम है योगेंद्र यादव, जिन्हें अपनी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र दिया गया। सलूट है इस सोल्जर भाई को। ऐसी अमेजिंग स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब